नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सनी देओल सर, सनी देओल पाजी, जिस प्रकार से गदर 2 से उन्होंने हंगामा किया, जिस प्रकार से उन्होंने बॉक्स ऑफिस को फाड़ दिया है, ब्लॉकबस्टर फिल्म अभी भी कुछ जगह थिएटर्स में चल रही है, कुछ शो चल रहे हैं, और 530 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन फिल्म का हो चुका है। पठान का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, तारा सिंह का क्रेज अभी भी है, तो उसके बाद भी सनी देओल सर को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, लगातार फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। लाहौर 1947 है, जन्मभूमि है, इसके अलावा दोस्तों सन ऑफ सरदार 2 है, और दोस्तों बॉर्डर 2 है, तो बहुत सारी फिल्में कुछ वाकई मेकर्स के साथ वो फिल्म करने वाले हैं। तो अभी तो वो फिल्म कौन सी करेंगे, अभी शायद लाहौर 1947 या जन्मभूमि से कोई फिल्म स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला था कि सनी देओल सर की नेक्स्ट रिलीज कौन सी होगी, बाप या सूर्या, क्योंकि इन दो फिल्मों पर ज़्यादा उम्मीदें है। इसलिए है कि दोस्तों सूर्या फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे शोज मतलब 50% के आसपास इसकी शूटिंग कर ली गई थी। पहले मलयालम फिल्म जोसेफ का रीमेक है, जबरदस्त थ्रिलर मूवी है, तो काफी बड़ा पार्ट इसका शूट किया जा चुका है। बाद में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी क्योंकि सनी देओल सर गदर 2 की शूटिंग में व्यस्त हो गए थे। तो इस फिल्म को सनी देओल सर पूरी किरासत पूरा करवा सकते हैं अब, एक तो ये बात है। दूसरी दोस्तों बाप अहमद खान की फिल्म, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, सनी देओल सर है, मिथुन दा है, संजय दत्त है, जैकी श्रॉफ है, तो 90s के चार बड़े एक्शन हीरोज को हमें एक साथ देखने को मिलने वाला है, तो बहुत खतरनाक फिल्म, इसके कई सीन वायरल हुए थे, मजा आएगा इस फिल्म को देखने में। तो ये फिल्म दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ सीन है शायद जिनको दोबारा रीशूट किया जाए, बाकी इसका पोस्ट प्रोडक्शन में इस समय फिल्म है। और पहले इसकी जो डेट आई थी वो दोस्तों करीब 31 अक्टूबर आई थी, 31 अक्टूबर को फिल्म को रिलीज किया जाएगा, बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि 11 अगस्त को गदर को रिलीज किया जा रहा था, तो इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन ये फिल्म लगभग कंप्लीट है, अब इस साल रिलीज करने की संभावना तो मुझे कम लगती है क्योंकि अभी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, अक्टूबर में भी अभी जाने वाला है अक्टूबर, तो अभी तेजस आ रही है, उसके बाद में 12 नवंबर को टाइगर 3 आ रही है, उसके बाद दोस्तों 1 दिसंबर को एनिमल आ रही है, सैम बहादुर है, उसके बाद में दोस्तों दिसंबर में डंकी है, और सालार है उनका ग्रेस है जबरदस्त, इस दौरान और भी कई बड़ी फिल्में आ सकती हैं। तो देखने वाली बात होगी कि शायद रिलीज करे या नहीं करे, संभावना मुझे कम लग रही है कि इस साल बाप फिल्म को रिलीज करे, संभावना कम है। लेकिन मेकर्स इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं कि इसी साल अगर कोई सुटेबल डेट मिल जाए, 2 हफ्ते का टाइम बीच में मिल जाए, जैसे टाइगर 13-12 तारीख को आ रही है, तो उसके बाद में 2 हफ्ते के बाद में अगर ये रिलीज करे तो फिर 1 दिसंबर को तो दिक्कत हो जाएगी, एनिमल आ रही है तो वहाँ पे भी क्लेश होगा जबरदस्त, तो फिर 7 तारीख को भी, 7 दिसंबर को भी 1-2 फिल्में है, बड़ी फिल्में है, अभी शायद मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, लेकिन वो बड़ी फिल्म है 7 तारीख को, तो वहाँ पर भी रिलीज करना, 7 को है या 15 दिसंबर को है, शायद 7 दिसंबर को फिल्म नहीं है, लेकिन बाप को भी कम से कम 2 हफ्ते तो चाहिए, फिर 15 को अगर दिसंबर को करते हैं तो 22 तारीख को फिर सालार और डंकी आ जाएंगे, तो इसलिए मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि शायद इस साल रिलीज नहीं करेंगे बाप को, अगले साल जनवरी में या फरवरी में इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। तो जैसे इसकी रिलीज डेट अनाउंस होती है मैं आपको तुरंत जानकारी दूंगा। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बलिदान।